नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो दगड़ियों, आज आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे ऐसे टूटा हुआ चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो दगड़ियों, ये है हमारा गाँव का देवी मैया का मंदिर, आप देख सकते हैं ऊपर ये मंदिर है। और ये मंदिर का कुछ प्रांगण है जो आसपास के जो मतलब जहाँ पे टाइल है लगाए गए थे और साथ में जो बॉडी की गई थी, तो वो बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और करीबन इसको 1 से 2 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरीके से यहाँ पे एक्शन लिया गया है। इसकी हालत देखिए कैसी हो गई है, तो दिखाता आपको पूरा यहाँ पे अब ब्लॉग जो इसका हालत हो रखी है और दिखाऊंगा आपको। तो बने रहे आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी सीमित करना। तो दोस्तों, ये वो मंदिर की हालत है। देखिए ये सीढ़ियों के, देखिए सीढ़ियों की हालत कैसी हो चुकी है। यहाँ पे टाइल लगाया गया है, टाइल से जो यहाँ पे सीढ़ियों में जो पहले यहाँ पे प्लस्तर और वो किया गया था, उस वो भी सारा उखड़ चुका है। यहाँ पे साइड में देखिए आप, यहाँ देखिए क्या हालत हो रही है यहाँ पे, मतलब पूरा यहाँ पे मंदिर की हालत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से एक्शन लिया गया और मैं दगड़ियों, मैंने अपने ओर से कोशिश किया, लेकिन किसी ने भी इसमें आर्थिक सहायता देने का किसी ने भी यहाँ पे कोशिश नहीं की। मैंने यहाँ पे लगभग 2-3 लोगों से मैंने कोशिश की बात करने की, उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन आप देखिए इस मंदिर का हालत, आप लोग देख सकते हैं कि आखिर इनको वोट देने के लिए हम जाएंगे और उस समय तो ये बोलेंगे कि पैरों में तक गिर जाएंगे वोट मांगने के लिए। और जब हमें सहायता की मतलब ज़रूरत होती है, मतलब मदद की आवश्यकता होती है ऐसे मंदिरों के धार्मिक स्थलों में जो काम है, आप देखो आप जय बजरंग बली बोलते हैं और जय हिंदू संगठन बोलते हो, लेकिन आप लोग कहाँ गए। और जो संगठन वाले देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो संगठन वाले इसमें देख रहे हैं हिंदू संगठन वाले, और जो ये देखिए यहाँ पे कैसी हालत हो रखी है, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे टूट चुका है मंदिर, क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन यहाँ देखिए कैसी हालत हो रखी है, यहाँ पे टाइलें तक टूट चुकी है यहाँ पे। और बाउंड्री की बात कहें तो यहाँ पे बाउंड्री भी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे कैसे हालत हो रखी है यहाँ पे। और ये है नीचे गाँव थरमाड़ गाँव, जिसका ये मंदिर है। नीचे थरमाड़ आपको नाम भी दिख रहा होगा, और एक इधर है तली बाखरी, इधर है मल्ली बाखरी। इतना बड़ा गाँव है, लेकिन दगड़ियों फिर भी देखिए मंदिर की हालत कैसी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मंदिर की हालत देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा ये गांव का मंदिर है और इस गांव के मंदिर में ऐसी हालत हो रखी है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग इसमें गलत कमेंट करेंगे, कुछ लोग मेरे को वीडियो डिलीट करने के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं तकड़ियों कहना चाहूँगा कि जो सच है मैं वो दिखा रहा आपको, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। लेकिन मैं तकड़ियों मैं सोच रहा था कि कब बनाऊँ ब्लॉग, कब बनाऊँ इसका, लेकिन क्योंकि मेरे को इसमें इसका ये नहीं कि मेरे को यहाँ पर नाम मिले, मेरे को ये मिले सहूलत मिले, क्योंकि इसका कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मंदिर की हालत देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर इतना सुंदर मंदिर है। यहाँ पे देखिए ये देवी मैया का मंदिर है, जिसने हमारे गाँव वासियों पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। ये है देवी मैया, जय हो देवी मैया, आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये वो मंदिर है, ये इस मंदिर की देवी है, मैंने आपको बताया था देवी मैया। और यहाँ बजरंग बली जी भी है, ये देखिए यहाँ पे। तो दगड़ियो देखिए उनकी भी हालत देखिए कैसी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इतनी बुरी हालत हो रखी है। यहाँ पे देखिए उनके चारों तरफ देखिए यहाँ पे मतलब कैसा हो रखा है, यहाँ पे साइड में देखो काला काला भी हो चुका है वहाँ पे। और इधर आपको दिखाऊंगा और चीज़ में, यहाँ देखिए मंदिर का प्रांगण आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्र है वहाँ देखिए घास कितना हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे घास भी नहीं काटा गया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे घास काटने तक यहाँ पर लोग मंजूर नहीं है। घास देखिए कैसा हो रखा है मंदिर में चारों तरफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा, और ये हमारा चौखंड जो बोलते हैं धूनी का चौखंड होता है वो चीज़ यहाँ पे है। और इधर देखिए यहाँ भी, यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ भी है हमारे चौखंड का जो है मेन देवता जो होते हैं, यहीं पे हमारा चिमटी उमटी जो भी होता है वो यहीं रहता है सब कुछ। और तो ये मंदिर है दगड़ियों, और इसकी हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कब से हुआ, जब से यहाँ पे रोड आई है। मतलब एक टाइप तो रोड तो आना सही है, और एक तरह से रोड आना बहुत ही बुरा है, मतलब हमारे लिए सही नहीं है रोड, क्योंकि जब मंदिर की हालत ही ऐसी हो चुकी है, यहाँ देखिए जिससे धीरे धीरे ये खिसक रहा है, और अभी एक दो बारिश और आएगा तो ये पूरा रोड पर चल जाएगा। परसों तो ये रोड पे था, जो अभी मैंने लोहे का आपको वहाँ पे ऐसे बाहर जो बाउंड्री का वो है जाल टाइप का, वो मैंने आपको दिखाया था, वो किया था कि यहाँ नीचे गिरा हुआ था। तो एक हमारे गांव के है, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा के यहाँ, तब भी किसी ने नहीं रखा वहाँ पे। कई बार उन्हें वहाँ पे मतलब बात की, लेकिन कोई मंजूर नहीं हुआ रखने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे कोशिश करके उन्होंने यहाँ रखा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने इतना तक तो कर दिया, लेकिन आगे भी मैं कोशिश करना चाहूँगा कि जो ये ग्रामवासी मेरे हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध है कृपया करके आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रशासन पर छोड़ेंगे कि प्रशासन हमको कुछ देगा तो ये कभी संभव नहीं है। आप लोग खुद अपने ओर से पैसा चंदा जमा करके मंदिर की दुर्दशा को
अच्छा कर सकते हैं। इसकी स्थिति देखिए कितनी खराब हो चुकी है। यहाँ देखिए मंदिर पूरा प्रांगण देखिए, यहाँ पे पूरा हालत खराब देखिए। यह टाइल लगाई गई है, टाइल की हालत देखिए यहाँ पे। और नीचे देखिए मतलब ये भी हिल है जो जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, ये भी हिल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे नीचे से खिसक सकता है। तो आप देखिए दगड़ियों ऐसी हालत होती है यहाँ मंदिर की, मेरे को सच में बहुत बुरा लगा दगड़ियों। मैं कब से सोच रहा था कि इसके बारे में ब्लॉग बनाऊँ, और आज मुझे लगा कि आज अच्छा दिन है, क्योंकि आज राखी का त्यौहार भी है, और साथ में आज राखी के त्यौहार होने के बावजूद मैंने बोला कि राखी के साथ मैं इस ब्लॉग को जरूर डालूं, ताकि आप लोगों तक इस बात को फैला सकूं और आप लोग इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लें। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और जो भी मेरे ग्रामवासी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मतलब मेरे जो गाँव वाले हैं, थलमार गाँव वाले हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया करके ये वीडियो को एक वीडियो ना समझें। जिस माँ ने आपको यहाँ पे मतलब आपका रक्षा कर रखा है यहाँ, जैसे आपकी माँ ने आपकी रक्षा कर रखा है, वैसे ही देवी मैया ने पूरा गांव की रक्षा कर रखा है और पूरे क्षेत्र की हर रक्षा कर रखा है। और ये हर गांव वाला जानता है कि हमारे देवी मैया में कितनी शक्ति है। और लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग जितना हो सके आपसे आर्थिक सहायता कीजिए। आपसे जितना हो सकता है 100, 10, 50, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, जिससे जितना हो सकता है आप लोग यहाँ मंदिर पे लगाइए, और यहाँ पे मंदिर का जो ये अभी यहाँ पे दुर्दशा हो रखी है उसको ठीक कीजिए। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि इसको ठीक कीजिए। बस ये है मंदिर, हमारा देव मैया का मंदिर है। और यहाँ पे देखिए आसपास में घास ही देखिए, आप घास काटने तक यहाँ पे कोई लोग मंजूर नहीं है, इतने यहाँ पे झाड़ियाँ होती है। घास देखिए यहाँ पे, इसको काट सकते थे ना, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। इसको काट के मतलब यहाँ पे वातावरण सही रहता तो इस समय हमारा मंदिर भी अच्छा दिखता। देवी मैया हमेशा यहाँ पे विराजमान है। मैं कोशिश करूँगा देवी मैया कि भविष्य में कभी भी मुझे इतना काबिल बनाना कि देवी मैया मैं आपका हर समय सेवा कर सकूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो हमारे लिए रक्षा करता है और उन्हीं के लिए हम कुछ ना करें, तो हम में और जानवरों में क्या अंतर हो गया। जानवर भी हमसे अच्छे होते हैं, जानवर भी प्यार प्रेम भेद भावना सब जानते हैं, लेकिन इंसान जो आजकल हो चुके हैं वो बहुत ही खराब हो चुके हैं आज के ज़माने में। आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।